देखिए, बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि आप इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप अपना काम बताते नहीं हैं। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगावा महसूस कर रही है, और वो ठगावा इसलिए महसूस कर रही है कि जनता की समझ में आ गई कि राजस्थान का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जयपुर से लेकर अधिकतर शहरों में आपने सिर्फ चुनाव ये लड़ा, हिंदुओं सावधान आ जाओ, हो जाओ, मुसलमान घुस जाएगा। लोगों के समझ में आ गई, चुनाव खत्म हो गए, मुद्दे खत्म हो गए, हनुमान चालीसा के पाठ बंद हो गए, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स बंद हो गई। इन्होंने सब जगह वहाँ भी फैलाने, हर पूरे राजस्थान में ही प्रचार करते हैं, देखो भाई साहब यहाँ मस्जिद बन रही है। वोटर भी भगवान मालिक है, वोटर का वोटर ये नहीं पूछता कि आचार संहिता लगी, मस्जिद सरकार बना ही नहीं सकती। और आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लोगों ने इन सब को जवाब दिया है। बीजेपी को ये कह रहे हैं कि हम 500 बरस बाद राम को वापस अयोध्या लेकर आए हैं, आप लाओगे? राम तो गटगट में बसते हैं, पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। ज्यादा दिन ये फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं बीजेपी का, और ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। ये जो करणपुर का रिजल्ट आया, रुपेंद्र सिंह कुन्नर जीते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, ये रिजल्ट इस बात का है कि बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा नहीं चलेगा। एक ही महीने में जब सरकार का हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ है, घमंड में घूम रहा है सारी कैबिनेट, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, देख ही नहीं रहे जनता की, तो घमंड देखो इनका। हम भी मंत्री थे भाई, हम चुनाव हार गए मान गया, लेकिन आपने चुनाव को टारगेट कहाँ किया? जाते ना आप, जनता के समझ में आ गई एक ही दिन में कि कांग्रेस है जो रोटी की, रोजगार की, राम राज्य की बात करती है कि जहाँ कोई भूखा नहीं सोए, जहाँ कोई बेरोजगार नहीं हो, जहाँ किसी के दर्द नहीं हो, और वो कांग्रेस का रिजल्ट अब नजर आया। मैं फिर बीजेपी को कह रहा हूँ, अहंकार छोड़ो, घमंड छोड़ो, लोगों को डराना छोड़ो, मुद्दों के अलावा बात करना छोड़ो। जो वादे किए थे राजस्थान में, एक भी वादा यदि वो लागू कर देते, यदि पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर देते 12-13 रुपए, जो इनके सबसे बड़े नेता ने वादा किया था राजस्थान की जनता से, तो मैं आज कह रहा हूँ इनका रिजल्ट दूसरा होता। लेकिन सबके समझ में आ गई कि वोट लेने के बाद बीजेपी उन मुद्दों की बात ही नहीं करती जिन मुद्दों पर चुनाव में बात की थी, बीजेपी उन मुद्दों की वापस चर्चा नहीं करती है। इसलिए ये तो आप समझ के रखना कि जनता ने तो हमें हरा दिया, राजस्थान की जनता ने, लेकिन ये जो गंगानगर की जनता है, ये आपको पता है रूरल बेल्टों में हमारे 70 सीटें आई है, जनता बहुत समझदार है रूरल, हम तो सिटीज में ही तो हारे हैं, तो राजस्थान की जनता समझती है ग्रामीण इलाकों की, उन्होंने हराया, ये जनता की जीत है, ये राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार के कामों की जीत है और कांग्रेस सरकार की नीतियों। मंत्री बना के इन्होंने जो दाव खेला था, उल्टा पड़ गया ना, आप समझे नहीं, हमने विरोध किया, हमने उस वक्त कहा, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि आप मंत्री नहीं बना सकते। अब इलेक्शन कमीशन तो लोकसभा में बिल आ गया, और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते थे, अब इन्होंने कहा चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे, अब तो प्राइम मिनिस्टर और इनका केंद्रीय मंत्री और अपोजिशन लीडर बैठेंगे, तो दो इनके हो गए अब सरकार के, तो अब तो चीफ जस्टिस जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो भी सरकार तय करेगी। इनको जो मनमानी करनी थी कर ली, और जनता ने अपनी मनमानी कर दी, ये हार गए। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सरकार ने इस तरह से एमएलए का चुनाव हारा है कि एक महीना सरकार को शपथ लिए हुआ है, और शपथ लेते ही सरकार के सर पर ओले पड़ गए, और ये सरकार के हनुमान पीरियड पर जो ओले पड़े हैं, यदि इन ओलों से ये सावधान होकर सरकार अपना घमंड अहंकार छोड़कर और जो वादे किए उनको पूरा नहीं करती है, तो जनता आप समझ लेना आने वाले चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा।